हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास फूड वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लोबिया करी रेसिपी के साथ आई हूँ। लोबिया, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक आइड पीस कहते हैं, इस करी को मैंने नारियल दूध के साथ बनाया है। ये नारियल दूध के साथ बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें लोबिया 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगाना है। मैंने आधा कप लोबिया का इस्तेमाल किया है। इसे 4 से 5 घंटा पानी में सोख करके रखिए। इसके अलावा हमें एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून सरसों के दाने, 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा करी पत्ते और धनिया पत्ते। मसालों में हमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक की आवश्यकता होगी। गरम मसालों में हमें 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून हरी इलायची, 2 चक्रफूल, 1 टुकड़ा जायफल, 2 से 3 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1/4 टीस्पून लौंगे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें 1 कप फ्रेश नारियल दूध का इस्तेमाल करना है। आप इसके जगह रेडीमेड नारियल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे हमें एक प्रेशर कुकर में ऐड करना है और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी भी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और इसे 1 विसिल तक पकाइए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर लोबिया को 1 ही विसिल लेना है, नहीं तो लोबिया ओवर कुक हो जाएगा और साथ ही इसका शेप भी लूज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की ओर। एक पैन गरम कीजिए और पैन में सारे गरम मसालों को ऐड कीजिए। गरम मसालों को खाली 1 से 2 सेकेंड ही हमें चलाना है और इसे तुरंत ही मिक्सर जार में निकालना है। हमें गरम मसालों को बारीक पीसना है। गरम मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैंने यहाँ पर 1/2 नारियल लिया है और इसे बारीक काटा है। आप इसके जगह ग्रेट भी कर सकते हैं और इसे मिक्सर जार में निकालिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से पीसना है। एक बाउल के ऊपर छलनी रख लीजिए और पिसा हुआ नारियल को छलनी के अंदर डालिए और चम्मच की सहायता से प्रेस करते हुए सारा नारियल दूध को हमें निकालना है। फ्रेंड्स, देखिए इस नारियल में और भी दूध बाकी है, तो इसे हम दोबारा मिक्सर जार में डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दोबारा इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मैंने प्योर नारियल दूध का इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह रेडीमेड नारियल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़े ही देर में हमारा शुद्ध नारियल दूध बनकर तैयार हो चुकी है। अगला स्टेप, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए। तेल को गर्म होते ही कटा हुआ प्याज को ऐड कीजिए। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। भुने हुए प्याज में हमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट को ऐड करना है और इसे भी 1-2 सेकेंड चलाना है। अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन दूर होने तक हमें चलाना है और तुरंत ही सारे मसालों को ऐड करना है। मसालों को 1-2 सेकेंड चलाना है और तुरंत ही
कटा हुआ टमाटर को ऐड करना है। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे कवर कीजिए और पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम में ही करना है। एक मिनट के बाद ढक्कन को हटाइए और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और दोबारा ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह ये सारा प्रोसेस हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। भुने हुए मसालों में तुरंत ही लोबिया ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। कवर कीजिए और लोबिया मसालों के साथ 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 1 मिनट होते ही नारियल दूध को ऐड कीजिए और साथ ही हमारा पिसा हुआ 1 टेबलस्पून गरम मसाला को भी ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ढककर 1 सेकेंड के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, नारियल दूध ऐड करने पर हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, खाली 1 सेकेंड ही पकाना है। 1 सेकेंड के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए। तुरंत ही हमें एक तड़का तैयार करना है। थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, तेल में सरसों के दाने ऐड कीजिए। जैसे ही सरसों के दाने तड़कने लगेगा, इसमें जीरा ऐड कीजिए, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए और इसे हमें तुरंत ही लोबिया करी के ऊपर डालना है। इसे थोड़े से धनिया पत्ते और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कीजिए। लोबिया करी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और प्रियास फूड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।